उसके बाद में उसने लगाए थे स्टाफ वगैरह, अचानक रात हो गया तोड़ के, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ था, ये डिपार्टमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बनती थी स्टाफ कहीं पे आपके स्टाफ चोरी हो गए, क्या कार्रवाई की आपने? थोड़े रात खेचा वो रात को तोड़ दिए, मगर कोई एक्शन इनिशिएट होता। एक आसमान से नहीं होता है, उस बंदे का मतलब इधर एक ही बंदा डीसी साहब, वो कभी करेगा ही नहीं किसी की गलत। हाँ बिल्कुल, हमें नहीं, हमें उसकी तबीयत का भी हमें प्रेशर आ रहा है। किसका किसका बोलो जरा, लोगों का मैडम, एक लोगों का प्रेशर आ रहा है। हां पूछ लो, अगर लोगों के प्रेशर में कैसे काम होगा। अगर मैं बीटीसी मैं एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये बात लाना चाहूंगा, मेरी बुआ एस्टेबान थोड़ो सर में सबसे नाराजगी तो पहचान करो, सच बात है। हमारी जी कुछ नाकामी है या नाअहली है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अच्छू तो वन इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये कैसे आसो ए डब्ल्यू मच एच ए बात है। चलो आज गया ठीक है, इतने मैं गाड़ियों सब उस सुचलो में सर्वे करा अच्छा भाई तेज फुर्सत इस करो पता पोछा आप वो लोग हम है नहीं, लेकिन अगर आज डीसी का कहीं जाना था चलो गो ए डबल ई मानते हैं, इसमें ये बात लाना चाहूंगा, वेरी गो एस्टेबान बोर्डो साहब में सबसे नाराजी दबन कहीं क्या करूँ, सच बात है। हमारी भी कुछ नाकामी है या नाअहली है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अचूत वनम तो ये लोग दबल है बुझ सके है ना, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये कैसे आसम ए डबल ई मच डीसी गया ना पहुंचवा वो एक अलग बात है। चलो आज ये ठीक है, इतने में जाइडो सब सोनो सुचलो में सर्वे करा अच्छा भाई देव फुर्सत इस करो पता पूछा आप वो लोग हम है नहीं, लेकिन अगर आज डीसी का कहीं जाना था चलो गो ए डबल ई मानते हैं, लेकिन कल वो दफ्तर में होना चाहिए, यस कल वो दफ्तर में होना चाहिए भाई, दो भाई डीसी से पास 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 डीसी का अपना काम है, उनका अपना काम है, कहरा के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है, ये मेरी सबसे गुजारिश है मौजबाना मत करो ये सियासत के, एक काम करो ये डिपार्टमेंट यहाँ पर बैठने का काम करें तो सबके मसले आसानी से हल हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये क्या सब सब सेंटर है यहाँ पीएचसी बला में वन्यानिमो दबी बोलो दबे 24 मतलब 24/7 जो है यहाँ पे उसको खुला रखना है उसके। देखो ये किसने कर रहा है, मैं एसडीएम साहब सिचुएशन ठाट हूं, हम इसमें यहां ये ज्यूरिडिक्शन पे बेचो लोकल पे कैरियो है, इससे को ज्यादा कर बच्चे कुलुप दे धारले दे पाताने ये में दम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई है शुरू, ठीक है ना, लेकिन ये बात इन्हीं को समझनी है कि आवाम परेशान होती है तो मजबूर होती है, ठीक है ना, इसलिए ये आपकी नोटिस में है एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काम करे, ये यहाँ पर 24/7 अगर गवर्नमेंटों का आर्डर से बुझो अपन 10-4 से हल, देखो वो भी हमारे लोग हैं, मगर कम से कम 10-4 वो यहाँ पर बैठे और जो डॉक्टर इन्होंने वहां पर बिठाया लाइसन मास्टर ताजुन दोनों दुकान से, मतलब ये पॉलिसी कौन सी है जहाँ से लोग परेशान है मंसूर दो, हाँ मैं ये कह रहा हूँ देखिए, और ये काम जो है जैसे अभी कहा रैशनलाइजेशन होगी वीडियो या जेडियो सबस के पदस मन कोस मास्टर का तो को तो यम चुशन एनरोल तास में शासन हम ही लोग गलत एनरोल में सेंट फिल शासन ये दाखल पढ़न से जाएंगे है ना, तो ये एनरोल पे देख के जो है वो टीचर्स की रैशनलाइजेशन करते हैं, इसलिए इलाके के जो लोग हैं जिनको बच्चों से हमदर्दी है वो बताएं कि इस टीचर को उठाकर यहाँ पे डालो, लोग बताने चाहिए, आप एक रेजुलेशन लिखो एसडीएम सबस के पदस में कुछ टीचर तुरंत चुनाव क्या क्या पता है इनको, ये काम हमने खुद करना है, हो सकता है मुझे पता नहीं होगा किसी और को पता है, करो मिलजुल के बच्चों को पढ़ाने का वक्त है, ठीक है। और दोयम का ये जो आज का ब्लॉक दिवस है पहला हुआ है, मुझे उम्मीद है मिनट्स में जो लिखा जाएगा या नोट किया है बहुत सारे लोगों ने बातें रखी है, यीशु पान मनो जब तक ना आप बोलोगे तब तक आपके बारे में लिखेगा कौन, क्या शब्द आवाम मुझे नहीं लगता है सरी आप और अपने इलाके की तरक्की के बारे में बात करो सुई ये लिखना, और उम्मीद करूंगा जितना भी वक्त आप ये टाइम देंगे जैसे उनको कहा कि एक महीने के अंदर अंदर इनमें तहसीलदार साहब ने कहा मैं सब स्कूलों में जाकर देखूंगा, उसके अलावा हर एक आदमी की जिम्मेदारी है वो मिड डे मील है मिड डे मील कुछ
एक प्राइमरी बच्चे के लिए 4 रुपए दिन का आता है, एक मिडिल स्कूल वाले बच्चे के लिए 7 रुपए दिन का आता है, ये मास्टर छे है? मर उन लोगों को एहसास नहीं है, हद के से अगर बच्चों को नहीं खिलाएंगे तो 7,000 उसमें कमाएंगे, मगर एहसास में है तो ये 2,000 रुपए 2,200 क्या है ना, कम से कम वहां पे भी हमारे बच्चों को अच्छा खाना अगर मिल जाए बना, अच्छा बना मत बनाना है, मगर अगर तिम छन बनाओ बनाना ठीक है। मैं एसडीएम शॉप में पैक में या तहसीलदार शॉप पैक में हर सुकोल भूचक बात कुछ बनाओ मतलब सैन शुरू से खेवन खाना वन वेल सैन तुई तो पूछू है ना, सबकी जिम्मेदारी है और उम्मीद करूंगा जो आने वाला कल होगा यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, कोशिश तो हम भी कर रहे हैं, इच्छुन के हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे हो सकता है सब भी कर रहे हैं, हम भी एक कोशिश कर रहे हैं, सरपंच सरपंच कह रहा हूँ गेला दबन तो करो ट्रांसफर हफे रेपे ना तो ही दिजो में जा ना तो ही चुक सोन डीडी सी तक बल बहमो यज्ञ बेजुक करो का फैसमस किए करो आना तो ये सही नहीं, एक मिनट आपने भी नहीं बुलाया और जब मैंने बुलाया आप आए ही नहीं, ये सबको मैंने बुलाया आज मैंने बिठाया आपसे पहले मैंने इनको बुलाया था, सही बात आप से पहले मैंने इनको बुलाया था, मैं जीव करो बेहद का हम मीटिंग करेंगे हम इलाके के पर महाराज, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मसले यहाँ पे रखें ठीक है, पटवार नुम मास से पटवार बहना ही हूँ ये हम आप ही को बताएंगे कि पंचायत में बेहद आसान फोर हाफ और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी बात जो है मेरी भेजू एकदम सिफारिश जैसी कारण एक पटवारी की बात अगर होती तो मार देता, ये पूरे बलात् की बात यहाँ वैसे पटवारी की कोई नहीं कुछ दबन अगर जन ऐसे आसुन गैस क्योंकि हमारा काम पटवारी से है, अगर हम तहसीलदार के पास जाते हैं वो लिखता है नायब के लिए, नायब लिखता है पटवारी के लिए, पटवार का छाड़ो हमारी ये रोज के मामला ठीक है ना, और कहने का मतलब ये है कि इसकी जिम्मेदारी आप ले लें और जिन स्कूलों में स्टाफ नहीं है उसके लिए हम भी लिखेंगे, आप भी आज ही की डेट में लिखो, यहाँ से हमारे सरपंच साहब ने कहा था कि हम जो है सड़क पर बच्चों के समेत आएंगे फिर जिन जिन को आना है रोकने के लिए रोक लेना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इनको मैंने बताया भी था आप टाइम दे दीजिए, हम प्रोटेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, चाहे मौलानों की बात है ये हमारे हर जगह खस्ता हालत है स्टाफ की, हम इसमें पुरजोर प्रोटेस्ट करेंगे और सब पार्टियां साथ में करेंगे और बच्चों के साथ करेंगे, फिर हमको रोकने वाला कोई नहीं, उससे पहले एडीटीसी साहब को अपनी बात मैं बोल रहा हूँ आप भी चलो डोडा, नहीं इन्होंने कहा था ना कल के लिए वही मैं बात खत्म कर रहा हूँ, इनकी बात मैं तभी खत्म कर रहा हूँ, आप टाइम ले लीजिए 3 दिन लीजिए 4 दिन ले लीजिए हफ्ता ले लीजिए, हफ्ते के बाद आप हमारे इस स्टाफ को पूरा करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं फिर हम अपने लेवल पर वो जो करेंगे तो करते रहेंगे।